हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी 1 तारीख को ईद है, तो आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत शुभकामना, और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी को सभी की तरफ से ईद मुबारक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, मतलब इसका रहस्य बताने वाला हूँ, जो कि बकरा ईद मनाई जाती है, ये क्यों मनाई जाती है। सभी के मन में एक सोच रहती है कि बकरा ईद तो मनाई जाती है, लेकिन ये त्यौहार कैसे बना, मतलब इसका चलन कब से हुआ और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँगा, पूरी जो एक कहानी है इससे जुड़ी हुई मैं आपको पूरी बताऊंगा, जो कि बताई जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है मैं अपने चैनल पर अजमेर शरीफ से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो लेकर के आता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, और अगर बेल आइकन का बटन ऑन करने से ये होगा कि अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, ऐसे मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि अजमेर शरीफ दरगाह सभी के लिए खुल गई, तो दोस्तों अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अजमेर शरीफ दरगाह सभी बाहर के जायरीनों के लिए नहीं खुली है, सिर्फ यहाँ के जो खादी में अंदर के जिनको एंट्री अलाउ है, कुछ चुनिंदा खादी में जिनको एंट्री अलाउ है, जो वहाँ की दरगाह के अंदर की रस्में निभाते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के लिए वे भी दुआ करते हैं, लेकिन दोस्तों अभी बाहर के जायरीनों के लिए बिल्कुल भी एंट्री अलाउ नहीं है अजमेर शरीफ दरगाह में। तो दोस्तों, आप सभी को ईद मुबारक, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ईद क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद आगे से आगे जरूर शेयर करना। और दोस्तों, वीडियो को देख करके कमेंट जरूर कर देना जो भी इस वीडियो को आगे शेयर करता है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी वीडियो देखते हो और आगे भी शेयर करते हो। इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। दोस्तों, कल जैसे कि ईद है तो मैं अजमेर शरीफ दरगाह के आसपास भी जाऊंगा और वहाँ पे देखता हूँ, कुछ भी अगर नज़ारा मिलता है तो मैं आपको कल अपलोड करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको बताता हूँ कि ईद, दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला था कि जो बकरा ईद है वह क्यों मनाई जाती है। तो दोस्तों, एक इससे एक रोचक घटना है जो कि इससे जोड़ी जाती है, एक कहानी है, इससे एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिसके चलते आज पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व में ईद मनाई जाती है, और इससे जुड़ी हुई एक कहानी बताई जाती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद आगे से आगे जरूर शेयर करना। ऐसे कई मतलब आजकल की युवा पीढ़ी है जो ईद तो मनाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है कि ईद मनाने के पीछे क्या कारण रहा है, क्या वजह रही है। तो इससे जुड़ी एक कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहानी के अनुसार एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामक एक व्यक्ति थे, मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नामक एक व्यक्ति थे, जिन्हें सपने में अल्लाह का हुक्म आया, मतलब सपने में एक अल्लाह का हुक्म आया, बेटे इस्माइल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। मतलब जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वे उनके बेटे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन उनको एक दिन सपना दिखा और सपने में अल्लाह का हुक्म आया कि जो अपने चीज़ मतलब अपने प्यारी चीज़ है तो वह अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, जिसमें एक तरफ थी अपने बेटे से मोहब्बत और दूसरी तरफ थी अल्लाह का हुक्म, लेकिन अल्लाह का हुक्म ठुकराना अपने धर्म के तोहिन थी, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कभी भी कबूल ना था। इसलिए उन्होंने सिर्फ अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का निर्णय लिया और अपने बेटे को मतलब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। मतलब अल्लाह के हुक्म के आगे उन्होंने अपने बेटे को भी न्यौछावर कर दिया, अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए वे तैयार हो गए। कहानी के अनुसार जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन ने बिजली की तेज़ी से आकर बच्चे की जगह मेमन रख दिया, जिससे बच्चे की जान बच गई। और यही से इस पर्व की शुरुआत होगी, मतलब ईद की शुरुआत होगी, कि अपने बच्चे को एकदम मतलब जो फरिश्ते थे अल्लाह के, उन्होंने बच्चे को हटा लिया और उसकी जगह एक मेहमान रख दिया, जब इसे एक जानवर की कुर्बानी देने चालू हो गई। तो दोस्तों, ईद इसलिए ही मनाई जाती है, आज मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, और वीडियो को आगे शेयर करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।